खबर दी आपको शुजाबाद से, जहां पे हजरत आज कुरैशी के मुताबिक शुजाबाद शहर और गिर्दो निवाहक के में रमजान और मुबारक की आमद के साथ साथ महंगाई का जिन भी बेकाबू हो चुका है। शहर और गिर्दो निवाह में आलू की कीमत 40 रुपए से बढ़कर 70 रुपए, तोरी 160 रुपए किलो, प्याज 50 से 80 रुपए और लीमू 200 से बढ़कर 350 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। 100 रुपए किलो में बिकने वाली स्ट्रॉबेरी यकदम 250 में फरोख्त हो रही है। यही नहीं, सेब 250 से 300 रुपए किलो, केला 180 रुपए दर्जन, खरबूजा 150 रुपए, तरबूज 80 रुपए किलो बेचा जा रहा है। हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई का तूफान क्यों आया? दुकानदारों से पूछे तो वही घिसा पिटा जवाब मिलता है। परेशान हाल आवाम का कहना है, इफ्तार के लवाजमात तो दूर की बात, हम तो शाम को बच्चों के लिए सब्जी भी नहीं खरीद सकते। शहरों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और तहसील इंतजामिया से प्राइस कंट्रोल करने का मुतालबा किया है।